अभी के टाइम में दोस्तों स्टाइफ वाला फोटो का रील्स बना करके काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। कोई भी अगर प्लेटफॉर्म आप ओपन करते हैं तो इस टाइप का फोटो का रील्स आपको देखने को मिलेगा। तो आप भी इस टाइप का रील्स फोटो बना सकते हो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीका से। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बता दें, अभी तक अगर हमारे चैनल को नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने में आपको बता दें, कोई एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा, जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, गूगल हो गया। तो अभी हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र जैसे ही आप ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं आपको सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको सर्च बार में आ जाना है। सर्च बारे में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है Bing AI जनरेटर टाइप से आपको सर्च करना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोग के सामने खोल के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इमेज क्रिएटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, इस टाइप से इंटरफेस जैसे ही आएगा तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अंदर की प्रोसेसिंग की ओर लेकर के चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ चुका है। तो सिंपली आप लोग अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पर क्रिएट ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। तो हम एक मिनट का वीडियो बना के रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको उसको सिंपली देख करके सीख लेना, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको बता दें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आपको टेक्स्ट को कॉपी कर लेना और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। आप यहां पर जैसे ही पेस्ट करेंगे और यहां पर देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना। आप क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी प्रोसेसिंग का कुछ टाइम लगेगा, तो आपको कुछ वेट कर लेना है और बहुत ही सुंदर सा तस्वीर आप लोगों के सामने बनकर रेडी हो जाएगा। तो अभी हम वेट कर लेते हैं कुछ सेकेंड। तो अभी ये हमारा देख सकते कितना अमेजिंग, कितना मस्त पिक बन के रेडी हो चुका है, जो देखने में कितना अमेजिंग लग रहा है। और इसको आपको करना क्या है, अब इसको डाउनलोड करना। तो डाउनलोड करना बहुत ही इजीली है, सिंपली उस फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, 3 डॉट पर क्लिक करना, डाउनलोड पर क्लिक कर देना। तो इस प्रकार से अभी हम जो भी पिक इसको डाउनलोड करेंगे तो सब यहाँ पर डाउनलोड हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आ जाता है रील्स बनाना। रील्स बनाना बहुत ही ईजिली है, तो आपको कोई एप्लीकेशन यूज करना है तो अभी हम VN एप्लीकेशन यूज करेंगे। VN एप्लीकेशन आप जैसे ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं प्लस का आइकन दिख रहा होगा, सिंपली आपको प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते फोटो का ऑप्शन है, फोटो पर क्लिक करना है। जो भी फोटो का बनाना हो फोटो आपको ले लेना हो, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद एंडिंग वाला पार्ट इसको डिलीट कर देना है। और यहाँ पर देख सकते एफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, कोई एक एफेक्ट्स यूज कर लेना है, सही टिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते म्यूजिक का ऑप्शन, म्यूजिक पर आ जाना है, कोई एक म्यूजिक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। और यहाँ पे अब आपको करना क्या है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना कोना में देख सकते एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया। अभी ये हमारा फोटो का रील्स बन के एक्सपोर्ट हो चुका है। करते इस टाइप का फोटो रील्स आप बना लिया होंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।